नमस्कार दोस्तों, आपका एम के एजुकेशन में स्वागत है। और आज सबसे पहले आपकी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपनी जो अपडेट है वो रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम है वो आपकी 12, 13, 14 दिसंबर को जो होने वाली थी वो आपकी कैंसिल कर दी जाती है, क्योंकि 12, 13, 14 तारीख को आपकी ALP CVT 2 की जो एग्ज़ाम होगी उसकी वजह से, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप डी के साथ साथ ALP का भी फॉर्म भरा होगा। तो अगर उन्होंने ALP का फॉर्म भरा, ग्रुप डी का फॉर्म भराया, अगर उनकी एग्जाम आपकी 12, 13, 14 तारीख को होती है तो ALP की भी एग्जाम उसी दिन होगी। तो इस वजह से क्या, वो दोनों एग्जाम से एक एग्जाम दे पाएंगे, तो एक एग्जाम उनकी छूट जाएगी। तो इस वजह से के बोर्ड ने विद्यार्थियों के हित में रखते हुए उन्होंने ये बोला है कि जिस दिन यानी कि ALP CVT 2 की एग्जाम 12, 13, 14 तारीख होगी उस दिन ग्रुप डी की एग्जाम नहीं होगी, बल्कि उससे आगे की डेट को एक्सटेंड कर दी जाएगी बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम डेट है वो किस डेट को होने वाली है। तो इसकी सूचना वो चाहे तो आपका MSS के द्वारा दे दी जाएगी, या फिर आपको ईमेल आईडी के माध्यम से दे दी जाएगी, या फिर आपको बाकायदा एक नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी RRB की साइट पर दे दी गई है। तो मैं पूरी जो आपको नोटिफिकेशन है कैसे इसको बताया गया है सारा चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर। आगे चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको होता है कि मेरे बताई हुई जितनी वीडियो के माध्यम से आपको रेलवे से संबंधित अपडेट्स या गवर्नमेंट से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आपको करना है क्या है, बस आपको सिंपल से छोटा सा काम करना है, ये सब्सक्राइबर का बटन दबाना है, उसके बाद ये बेल का आइकन आपको प्रेस करना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सीधे ही RRB भुवनेश्वर की साइट पे आ गया हूँ। आप भी RRB भुवनेश्वर की साइट पे आप चेक कर सकते हो। तो तुम्हें करना है आज की जो डेट है, सॉरी आपकी 6 तारीख को, यानी कि 6 तारीख को ही नोटिस दिया हुआ है आपका, 6/11/2018 को नोटिस दिया हुआ है आपका कि नोटिस फॉर कैंडिडेट्स हु कुड नॉट अपीयर RRB एग्जाम ड्यू टू साइक्लोन टिटली इन ओडिशा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जिसकी एग्जाम जो नहीं हुई हो पाई थी और आगे 12, 13, 14 तारीख को जो एक्सटेंड किया गया उसकी सारी चीज़ उसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई गई है। तो आपको क्या करना है कि मैं जैसे वो क्लिक करना है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है उसका जो भुवनेश्वर की साइट पे दिया हुआ है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि नोटिस, पहला तो चीज़ दिया हुआ है कि नोटिस फॉर कैंडिडेट्स हु कुड नॉट अपीयर RRB एग्जाम ड्यू टू साइक्लोन टिटली इन ओडिशा। यानी कि जो पिछली बार जो भुवनेश्वर के अंदर जो साइक्लोन आया था, यानी चक्रवात आया था, टिटली आया था, उसकी वजह से क्या कुछ एग्जाम कुछ शहरों में रोक दी गई थी। उनकी जो एग्जाम के बारे में सूचना दी गई है, उनकी जो एग्जाम होगी वो आपकी यहाँ पे आपको इंडिकेट किया हुआ है कि आपको ये एग्जाम आपकी नवंबर से दिसंबर, ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच में होगी, जो जिसकी सूचना आपको SMS के माध्यम से या आपकी जो ईमेल आईडी है उसके माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात की क्या हुआ है इसमें, दूसरी बात आपको ये दी हुई है कि इट मे आल्सो नोटेड दैट CVT अंग्रेजी CN02/2018 फॉर वेरियस लेवल फॉर फर्स्ट पोस्ट बिल नॉट बी हेल्ड। यहाँ अब आपको दिया होगा नॉट बी हेल्ड नॉट बी हेल्ड, है ना। तो ये कौन सी डेट होगी, आपकी 12 से आपकी 14 तारीख के बीच में, ठीक है, यानी कि नॉट बी हेल्ड फ्रॉम 12 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2018 सेकेंड स्टेज CVT 2 फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन पोस्ट अंग्रेजी CN01/2018 हैज़ बीन प्लान्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि आपकी 12 से 14 तारीख के बीच में जो एग्जाम होगी उसकी वजह से आपकी ये कैंसिल नहीं हो कर दी जाती है, मतलब कैंसिल तो नहीं किया रही, लेकिन आपको ये इस डेट को आपके एग्जाम नहीं होगी, बल्कि इस डेट को जिसकी एग्जाम है वो एक्सटेंड करके आगे की डेट आपको इंडिकेट कर दी जाएगी किसी मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। ठीक है, तो बस आपको फ्रेंड्स में यही सूचना देनी थी कि जिस बंदे की ग्रुप डी की एग्जाम है आपकी 12, 13, 14 की, तो वे निश्चित होके वो अपनी अगर उन्होंने CVT 2
ELP के लिए फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी करें, उसकी डेट जो ग्रुप डी की वो आगे एक्सटेंड कर दिया गई, फिर आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको, मुझे आपको पहुँचानी थी, तो जो मैंने आपको पहुँचा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, और साथ साथ में अपने फ्रेंड्सों को भी बताना। तो बस हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यूज़ के, तब तक के लिए।